सब अगर सच्चे मन से कुछ मांगेंगे तो आपको जरूर उसकी प्राप्ति होगी। सच्चे मन में बड़ी शक्ति होती है। व्यक्ति सच्चे मन से कुछ भी प्राप्त कर सकता है। मोटू, चलो चलकर गर्मा गर्म समोसे खाते हैं। अरे पतलू, अभी अभी मैंने बहुत पहुँचे हुए बाबा का प्रवचन सुना है। अगर हम सच्चे मन से कुछ भी मांगेंगे तो वो चीज मिल जाती है। मैं सच्चे मन से समोसे मांगूंगा और मुझे समोसे यहीं पर अपने आप मिल जाएंगे। तुम जाओ। मतलब मेरे यार, मेरे भाई, आज तुम अकेले? मोटू कहाँ है यार? हाँ, अरे मत पूछो। मोटू ने टीवी पर सुना है कि सच्चे मन से जो भी मांगो वो अपने आप मिल जाता है। वो घर पर समोसे का जाप कर रहा है। बुड़ी बाबा, ऐसे भी भला कोई समोसा मिलता है क्या? मेरा 20 साल का तजुर्बा में मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं देखा। हमें कुछ करना होगा, वरना वो दिन भर ऐसे ही बैठा रहेगा। वो एक बार जो ठान लेता है करके ही छोड़ता है। मेरे पास एक आइडिया है यार, इधर आओ। समोसे, अरे मेरे प्यारे समोसे। अरे पकड़ू, ये देखो, सच्चे मन से मांगने से मुझे समोसे मिले हैं। अरे वाह मोटू, मुबारक हो। चलो अब समोसे खा लो। नहीं पकड़ू, नहीं, अभी तो मुझे सच्चे मन से और भी बहुत कुछ मांगना है। तुम सब लोग मेरे पास आ जाओ और तुम सबको जो चाहिए मांगो। अरे नहीं भाया, मेरी दुकान टूट फूट गई है, मुझे उसे ठीक करवाना है। मैं चला। चलो मोटू, तुमको तो अपने समोसे मिल गए, चलो अब घूमने चलते हैं। अरे नहीं नहीं, अब मैं अपने लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए सच्चे मन से बहुत कुछ मांगूंगा। अब मैं सच्चे मन से मांग कर चाय वाले की दुकान को और भी अच्छी करूंगा। तुम जाओ। अरे मुझे तो अभी बहुत सारे लोगों का कल्याण करना है। चाय वाले की दुकान रिपेयर हो जाए, चाय वाले की दुकान रिपेयर हो जाए, चाय वाले की दुकान रिपेयर हो जाए, चाय वाले की दुकान रिपेयर हो जाए। डॉक्टर झटका, प्लीज हेल्प करो। मोटू अब चाय वाले की दुकान रिपेयर का जाप कर रहा है। अब पतलू, मेरे भाई, मेरे यार, कोई नहीं, अपने दोस्त मोटू के लिए तो मैं इतना जरूर कर सकता हूँ यार। हाँ, चलो। मोटू जल्दी आओ, तुम्हारे सच्चे मन ने चाय वाले की दुकान ठीक कर दी है। सच्चे मन में बहुत शक्ति है। देखा पतलो, तुम मुझ पर यकीन नहीं करते थे, अब खुद ही देख लो। चलो मोटू, अब चलकर खाना खा लेते हैं। अरे नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो मुझे सच्चे मन से फुरफुरी नगर के लोगों के दुख तकलीफ दूर करनी है। लेकिन तुम सब भी मिलकर मेरे साथ लोगों का भला क्यों नहीं करते? मेरे शैतानी दिमाग में एक तूफानी आइडिया आ रहा है। मोटू, मोटू, अरे कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारा सच्चा मन बोल रहा हूँ। तो मेरा सच्चा मन मुझसे बात कर रहा है? अरे मेरे सच्चे मन, मेरे सामने तो आओ। नहीं नहीं मोटू, मैं तुम्हें दिख नहीं सकता, बस अपनी मन की आंखों से मुझे देख सकती हो। मैं तुमसे और भी अच्छे अच्छे काम करवाना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बताओ बताओ मेरे सच्चे मन, तुम मुझसे कौन से अच्छे अच्छे काम करवाना चाहते हो? मैं सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। बॉक्सर अभी बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन के लिए जा रहा है, तुम उसे रोक दो, क्योंकि उसके सामने वाला जो दूसरा बॉक्सर है वो बेचारा एक गरीब आदमी है। अगर वो जीत गया तो उसे पूरा 1 करोड़ इनाम मिलेगा।
सच्चे मन में बॉक्सर को रोक तो दूं, लेकिन वो मुझे बहुत मारेगा। चिंता मत करो वत्स, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, तुम अपनी शक्ति से बॉक्सर को हरा देना। बॉक्सर कहाँ जा रहे हो? अभी के अभी घर के अंदर वापस जाओ, वरना तुम्हें इतना मारूंगा कि रोना भूल जाओगे। हाँ। अरे जब गिद्ध का दिमाग खराब होता है ना, तो वो शहर की तरफ भागता है। ये ले। अरे सच्चे मन शक्ति दो, प्लीज। अरे सच्चे मन कहाँ हो? कैसा हूँ ये खुद ही देख लो। मुझे शक्ति दोगे ये कहकर गायब हो गए और मेरी हड्डी पसली तुड़वा दी। सॉरी सॉरी, मैं किसी और जगह दूसरों की भलाई करने चला गया था, लेकिन तुमने बॉक्सर को लेट करवा दिया और दूसरा बॉक्सर अब जीत जाएगा। अब जाओ, ये कंबल चिंगम के कैदियों को दे आओ, बस उनका कल्याण होगा। सच्चे मन जी, मैं अभी के अभी ये ले जाकर कैदियों को बांट देता हूँ। सच्चे मन का पाठ पढ़ा रहा है। देखता हूँ ये सब चल क्या रहा है। क्या तुम्हारे सच्चे मन ने मेरे कैदियों के लिए इतने सारे कंबल दिए हैं? वेरी गुड, थैंक यू सो मच। दे दो, दे दो। सर ये सब क्या हुआ? सब कैदी भाग कैसे गए? ये तुम्हारे मोटू की हरकत है मोटू। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो आवाज जॉन की नहीं हो सकती। अरे वो जॉन ही है, वो तुम्हें उल्लू बना रहा है। कंबल में गंस थी और वो सब कैदी जेल से भाग गए। यकीन न हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा करो, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुझे एक जगह 20 करोड़ के हीरे मिले हैं और मैं उन्हें भुरभुरी नगर के लोगों में बांटना चाहता हूँ। क्या 20 करोड़ के हीरे? तुम मत बांटना, क्योंकि तुमसे कोई छीन लेगा। तुम दुर्बल हो, कमजोर हो, इंसान हो, मुझे दे दो, मैं बांट दूंगा। लेकिन मैं आपको दूं तो कैसे दूं, क्योंकि आप तो मुझे दिखते ही नहीं। दिखूंगा दिखूंगा, मैं एक गरीब आदमी बनकर तुम्हारे सामने आऊंगा और वो हीरे गरीबों में बांट दूंगा। कहाँ है हीरे? कहाँ है? आपको काली पहाड़ी के पीछे काली गुफा में आना होगा। देखो वो जॉन ही है, भेष बदले हुए, वही हाइट, वही शरीर, सिर्फ रूप अलग है। तुम ठीक कहते हो पतलू, चलो आज इस सच्चे मन की सच्चे मन से धुलाई करते हैं। वत्स, मैं हूँ तुम्हारा सच्चा मन। ओ सच्चे मन जी, आप मिल के बड़ी खुशी हुई। आओ सच्चे मन, मेरे साथ आओ। हीरे एक बक्से में बंद है, चाबी मिल ही नहीं रही, ताला तोड़ना पड़ेगा। आपको कौन सा डंडा ज्यादा पसंद है? ये वाला अच्छा है बस, मेरा अनुभव कहता है कि इससे बड़े से बड़ा ताला टूट जाएगा। ठीक है तो रेडी हो जाइए हीरे पाने के लिए। दोस्तों सच्चे मन को ये बेसबॉल बैट पसंद है। ये क्या हो रहा है?
अब क्या बोलता है सच्चा मन? बोलो। मेरा सच्चा मन कहता है कि भागो, नहीं चाहिए मुझे हीरे, नहीं चाहिए, भागता हूँ यहाँ से, धीरे धीरे। ऐ जो आप कहाँ जा रहे हो? मेरे सारे कैदी भाग गए, जेल खाली है, अब तुम वहाँ चल के रहो। चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल, बोले तो ये इम्पॉसिबल। ये चीटिंग है, पुलिस वाले होके भी चीटिंग करते हो। मुझे सब लोगों ने मिलके बेवकूफ बनाया, पहले डंडा सिलेक्ट करवाते हो, फिर उसी से मारते हो।